ये जो स्थान आप देख रहे हो, ये गौ सेवा परिवार का नया हॉस्पिटल है। हमने इधर ली जो जगह है, हमने अभी 1-2 महीने में ये बाय कर लेनी है, बाकी यहाँ पर काम जारी है। तो हमने लिखा था यहाँ पर कि हाँ जी बेजुबानों के हम यहाँ पर इलाज करेंगे मुफ्त, लेकिन जब अस्पताल बन जाएगा तब। हमें नहीं पता था कि लोग ऐसे करेंगे कि इनको बेजुबानों को ऐसे छोड़ जाया करेंगे। देखिए आज मैं आया ही था, अभी सुबह के 9 ही बजे हैं, ऊपर से इतनी ठंड है। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर कोई घर बनाकर इस नन्हे से बच्चे को यहाँ पर कोई छोड़ गया है। देखिए आप, तो मुझे नहीं पता कि क्यों लोग ऐसे इनको छोड़ जाते हैं, कि ये हमारे पास अभी पहला ही केस नहीं है। देखिए इसको कितनी ठंड लग रही है, ये अंदर जाकर बैठ रहा है, इतना डरा हुआ है ये। तो ये हमारे पास पहला केस नहीं है, हमारे पास और भी ऐसे छोड़कर जो लोग गए हैं, ऐसे कई केस हैं, और मैं आपको अंदर आकर दिखाता हूँ। आज अंदर आया आया, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर लोग कैसे छोड़कर गए हैं। देखिए जी इतना भूखा है, मेरे साथ ही आ रहा है। ये डॉग है, इसका नाम हमने गोल्डी रखा है। हमने इसको बठिंडा के हाईवे से रेस्क्यू किया था, तो ये चल फिर नहीं पा रहा था, लेकिन अब तो ये काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ हो चुका है, थोड़ा बहुत चल भी रहा है। तो गोल्डी का घर हमने उधर बना दिया। उसके बाद हमें किसी ने खबर दी कि किसी के गली में एक बच्चा है, जो मतलब कि जिसने 10 बच्चों को जन्म दिया है, वो इसको अगले दिन सुबह में फेंकने वाले हैं। तो हमने बिना सोचे समझे इसे यहाँ पर अपने हॉस्पिटल में उनको बोल दिया कि यहाँ पर छोड़ जाओ। तो आप देख सकते हैं इसके 10 बच्चे हैं, और तीसरा इसको हमने यहीं हमारे रामपुरा के टाउन से उठाया था। ये काफ़ी अग्रेसिव है, जिसके कारण हमें इसका भी साफ सफाई करने का भी, ये अपने घर को हाथ भी नहीं लगाने देता। तो मेरा निवेदन आप सभी से यही है कि आप इस हॉस्पिटल को हम जल्द से जल्द चला सकें, और इनको बच्चों को ये कच्ची पक्की ये क्षतों से अपने मुक्त होकर ये अपने अच्छे घर में जा सकें, और इनको अच्छा रहन सहन मिल सके। फिलहाल के टाइम हम इनका टाइम निकल जाए, इनको बारिश से बचे, तो इतना ऐसे तो हमने घर बना दिए हैं। ठीक है जी, हम आपको अपडेट देते रहेंगे कौन से परिवार के हॉस्पिटल के बारे में।